मैं आपको क्या बताऊं, इन्होंने मेरे साथ क्या किया, आज मेरे साथ सर ये हुआ, कल इनके साथ भी हो सकता है। इन्होंने मुझे फोन किया, आ जा आ जा, मैं कल से ये मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मेरे पास सर टाइम नहीं है, मैं आऊं अभी मैं आई, लेकिन मेरे आने का कोई भी प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि मेरी इतनी टेंशन है, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, एक टाइम में बच्चों को ला के देती हूँ, दूसरे टाइम मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। अब आपकी क्या अपील रही? मेरी यही अपील है, मेरे हस्बैंड को प्लीज़ छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अगर नहीं छोड़ रहे तो प्लीज़ मेरे, मुझे और मेरे बच्चों को वापस कर दो, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, मैं किसी से आप भीख नहीं मांग सकती हूँ, प्लीज़ मैं किराए के कमरे में रहती हूँ। मैं हुकूमत को यही बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड सब्जी बेचते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, आपको मिल गया। सर मिलने देते हैं, मैं जाती हूँ, वो शीशे के उस तरफ होते हैं, मैं शीशे के इस तरफ, मुझे अफसोस रहता है सर, मैं उनके साथ हाथ लगाऊँ, एक साल हो गया मैंने अपने शोर के साथ हाथ नहीं लगाया, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको मैं ले नहीं जा सकती हूँ सर, क्योंकि मेरे पास इतना किराया नहीं को पारा जाने का, मैं उनको साथ ले जाऊँ, मैं खुद मांग के लोगों से ले जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हम कल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं, हम भी आपकी बहनें और बेटियाँ हैं, आप लोग कम से कम इतना सोचिए कि हम औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चे, कल से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कम से कम आप आइए, आप लोग हमसे बात कीजिए, हमें जवाब तो दीजिए ना कि आप लोग क्या चाहते हैं, अगर आप हमें यहाँ रखना चाहते हैं, हमें यहाँ की शहरियत देना चाहते हैं, हमें यहाँ के हकूक देना चाहते हैं तो दीजिए, अगर नहीं तो आप डिपोर्ट कीजिए, हम तो सीधी सी बात आपको बोल रहे हैं कि हम आपके शहर में, आपकी कंट्री में आपके बुलाने पर आएँ, अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ रहें तो हमें जवाब दीजिए, ऐसे ही तो हम अपने बच्चे ले कर रोडों पर नहीं बैठ सकते ना, कल से हमें, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या यहाँ ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन कोई तो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एलजी साहब कहाँ बैठे हुए हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये औरतें बच्चे लेके यहाँ रोड पे बैठी हुई हैं, कल से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि क्या किसी में इतनी इंसानियत भी नहीं है इस कंट्री में कि इंसानियत के नाते आप आके हमारी बात सुने, हमें जवाब दें कि हमें क्या करना है। हाँ जी, हम लोग कल भी आए हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, हम 2012 से यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, हम लोग वही लेडीज़ हैं जो पाकिस्तान से आई हैं, जिनकी शादी कश्मीरी लड़कों से हुई है, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के मुताबिक 2010 में आए थे, जो उमर अब्दुल्ला साहब के दौरे हुकूमत में की गई थी, तो हम लोग यहाँ पर डेली आते हैं, कल भी हम लोग आए, हम लोग तकरीबन रात 9 बजे यहाँ से निकले, आज हम फिर से आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी पूछने नहीं आया, कोई भी ऑफिसर यहाँ पर हमें नहीं पूछने आया कि आप यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो, हम लोग छोटे छोटे बच्चे लेकर आए हुए हैं, हम औरतें हैं, घर से निकलना हमारे लिए बहुत परेशानी का बायस बनता है, लेकिन हमारी तकलीफ़ ही कुछ ऐसी है कि इसलिए हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ता है और सड़कों पे बैठना पड़ता है, हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमें यहाँ पर ये लोग एक्सेप्ट करें, हमें यहाँ की नेशनलिटी दें, अगर वो नहीं दे रहे फ़िलहाल ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स दें, परमिट दें, ताकि हम अपनों से मिल सकें, आ जा सकें, अगर ऐसा नहीं करते तो फिर वापस हमें डिपोर्ट कर दें, बस हमारी इनसे यही रिक्वेस्ट है। बिल्कुल होम मिनिस्टर साहब से हमारी यही अपील है, अगर उनके कानों तक हमारी बात पहुँची या उनकी नज़रों से हमारी वीडियो गुजरी, तो उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर इतने हालात मामलात हैं जिनकी तरफ गौर व फिक्र किया जाता है, हमारा भी एक मामला है, इसको भी देखिए, इसको भी हल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आई हूँ खासकर अपने हस्बैंड के लिए, कि इन्होंने एक साल से मेरे हस्बैंड को बंद रखा हुआ है, मैं किराए पे रहती हूँ, किराए के कमरे में रहती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मेरे बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया बाप के बंद होने की वजह से, वो कुपारा सेंटर जेल में है, तो अगर हमें ये नहीं रखना चाहते हैं तो मुझे भी इन बहनों की तरह वापस ही कर दें, क्योंकि मैं तो नहीं रह सकती, क्योंकि मेरा ना कोई कमाने वाला है ना कोई लाने वाला है। मेरे शोर को इन्होंने बस बुलाया वहाँ पे कुपारा में, वहीं से थाने में रखा 10 दिन, उसके बाद उन्होंने उनको जेल में डाल दिया, एक साल हो गया, तो मैं बच्चों को लोगों के घरों में मांग मांग के सर खिला रही हूँ, कभी क्या करती हूँ कभी क्या,